हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे। ये गाड़ी आप देख रहे हैं हुंडई की वेन्यू एन लाइन, और ये एनेट है। मतलब आप देख सकते हैं गाइस, मतलब गाड़ी का ओवरऑल जो है ना सर, मतलब गजब का। वेन्यू तो खैर मार्केट में बहुत ही तेज़ी से चल ही रहा था, बट ये जो लुक आके ना वेन्यू का एन लाइन एकदम गजब का, मतलब कहर ये आ रहा है गाइस। इसका बुकिंग इतना तेज़ी से आ रहा है जिसका कुछ कहना नहीं। मतलब इस टाइप के गाड़ी यूज़ करने वाले कॉम्पैक्ट एक्सयूवी, और इसी कॉम्पैक्ट एक्सयूवी के साथ साथ आपको जो फील दे रहा है ना सर, वो आपको स्पोर्टी वाला फील दे रहा है। इतना स्पोर्टी फील कि आप देख, मतलब आप रोड पे हो सर, तो आपसे प्रीमियम कोई रोड पे है ही नहीं, ऐसा फील देने होने वाला है ये गाइस। इसमें प्लीज़ ट्रस्ट मी, आपको जो मिलता है ना गाइस, गजब का। यहाँ पे जो लुक जो मिलता है ना, सामने की ओर बात करेंगे तो डार्क क्रोम ग्रिल आपको जो कि मिलता है, काफ़ी स्मार्ट ये मस्कुलर्स के लिए। आप देख सकते हैं हुंडई की लोगो आपको मिल जाती है। और नीचे में बात करेंगे तो स्किड प्लेट सिल्वर फिनिशिंग में रेड लाइनिंग जो दिया गया है, मतलब और बस स्पोर्टी फील कराने के लिए यहाँ पर दिया गया है। लाइट की बात करेंगे तो प्रोजेक्टर, ऑटो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको दिया गया है विथ DRL के साथ। यहाँ पे बात कर लेंगे तो टर्न इंडिकेटर आपको, हज़ार लाइट के इंडिकेट, रिफ्लेक्टेड लाइट आपको जो कि मिलता है, जो कि काफ़ी शानदार। यहाँ पे एन लाइन की बेसिंग जो है वो मतलब दूर से ही दिखता है हाँ भाई कोई गाड़ी है, तो आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ साइड प्रोफाइल की बात की जाए गाइस, तो साइड प्रोफाइल खैर आप देख ही सकते हैं ना सर, साइड प्रोफाइल में मतलब बहुत ही है। यहाँ पर बात करेंगे तो ये टायर का, यहाँ पे स्पोक अलॉय व्हील आपको यहाँ दिया गया है, काफ़ी स्मार्ट स्पोक अलॉय व्हील आपको यहाँ पे दिया गया है रेड क्लिपर के साथ। तो ब्रेक की बात करेंगे तो ABS प्लस ABD है ही, और दो चारों साइड ये टायर में भी डिस्क ब्रेक, और पीछे का भी टायर में डिस्क ब्रेक, मतलब चारों टायर में आपका डिस्क ब्रेक दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते टायर का वही साइज़ जो वेन्यू में है, 215/60R16, मतलब 16 इंच का टायर आपको यहाँ पे मिल जाती है गाइस। यहाँ पे साइड में बात करेंगे तो एन लाइन की बेजिंग आपको मिल जाती है। ORBM पे बात करेंगे तो टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाती है पियानो ब्लैक में। ये गाड़ी आपका थंडर ब्लू हो गया, और ऊपर में ब्लैक, मतलब गजब का, मतलब कहर कहल है, जो जिसको बोला जाता है ना कहर वाला कलर, वो है सर। आप देख सकते यहाँ पे बात करेंगे पीछे के, तो पीछे में भी आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है, जो कि काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी, आप हाई स्पीड भी चल रहे हो, मतलब टोटली आपके हाथ में गाड़ी है सर गाइस। अभी यहाँ पे पीछे की बात करेंगे रेयर साइड की, तो यहाँ पे आपको आप देखने को मिल जाता है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे LED कनेक्टिंग हेडलैम्प आपको मिल, सॉरी टेल लैम्प आपको मिल जाता है, जो कि टेल लैम्प ये जो कनेक्टिंग है ना सर, मतलब ये काफ़ी मस्कुलर्स गुड फीलिंग्स के लिए, मतलब पीछे से भी कोई देखा भी आपको गाड़ी तो लगेगा हाँ कोई गाड़ी है। आप देख सकते हैं हज़ार लाइट के इंडिकेटर्स आपको मिल जाती हैं, LED आपको टेल लैम्प जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मिल जाता है, रिफ्लेक्टेड लाइट आपको मिल जाती है, एंड टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे रेयर वाइपर दिया गया है और डिफोगर वगैरह दिया गया है। यहाँ पे बात करेंगे ऊपर में तो शार्पे एंटीना देता है, जो कि काफ़ी स्मार्ट होता है, और ब्लैक फिनिशिंग में यहाँ पे रेड लाइनिंग में आपको रूफ रेल मिलता है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूल कैपेसिटी की बात की जाए तो 45 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है, और ये 1.0 टॉप DCT वेरियंट है गाइस, और ये पेट्रोल वेरियंट में है। अब गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 195, मतलब 195 इंडिया के लिए रोडों के लिए बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही परफेक्ट, कहीं से सटने का नो चांस है ही नहीं सर। देहात में चलाओ, कहीं भी चलाओ, मतलब नीचे का कुछ भी उपाय कुछ नहीं है सटने का, तो हाइट भी बहुत अच्छा है। और गाड़ी का माइलेज के बारे में बात करेंगे गाइस, तो गाड़ी का माइलेज भी बहुत अच्छा है, मतलब सिटी माइलेज आपका 16-17 है, और हाईवे माइलेज 18-20 है, तो माइलेज भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बात करेंगे तो ट्विन टिप मुफलर आपको मिल जाता है ग्रे फिनिशिंग में, रेड में आपको हार्ड मेटल यूज़ किया गया है, जो कि पीछे का बम्पर है। और यहाँ पे दो सेंसर आपको मिल जाती हैं गाइस, एक रियर कैमरा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। गाड़ी में भी और भी एक फीचर्स और भी बढ़ती हुआ है, जो कि रिकॉर्ड करता है आगे पीछे का, गाड़ी जब आप पार्किंग किए हो तो आगे पीछे का रिकॉर्ड पूरा वो रखता है। तो गाइस आप देख सकते हैं, अब अंदर की बारे में बात करेंगे, यहाँ बूट की बात करेंगे तो खैर बूट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बूट से पहले इसका स्मार्ट कीज़ है गाइस, आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक, ये बूट ओपन का
और ये इंजन स्टार्ट करने का, तो इंजन स्टार्ट करने का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से मैंने पुश किया तो ये अनलॉक होने पे खुला। यहाँ पे आप कैप्टन सीट है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी स्पेस, मतलब बड़ा बड़ा लैगेज सर, 4 लैगेज तो आने जाने ही है। यहाँ पे पार्सल ट्रे है, स्पेयर व्हील इसके अंदर होती है, स्पेयर व्हील आपको 1 इंच छोटी होती है जो कि आप उसको स्टेपनी में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर गाड़ी का व्यू जो है ना गजब, मतलब गाड़ी का व्यू ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट आपको है, ये भी सनरूफ भी आपको यहाँ पे मिल जाती है गाइस, जो कि काफ़ी अच्छा, मतलब एक फैमिली के लिए बहुत ही परफेक्ट है, और एक फैमिली के लिए भी मतलब उसमें भी स्पोर्टी, प्योर स्पोर्टी, जो न्यू जनरेशन के जो है सर, वो न्यू जनरेशन की ये हाई टेक्नोलॉजी गाड़ी है। ट्रस्ट में अगर यदि कोई भी आप गाड़ी लेने के लिए देख रहे तो आप वेन्यू का ज़रूर, जो इस टाइप पे यूज़ करने वाले गाड़ी हैं SUV टाइप पे, स्पोर्टी टाइप पे, वो एक बार वेन्यू का इनलाइन का टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें। ट्रस्ट में आपका डिसीजन बदल देंगे सर, बुक किया हुआ गाड़ी आप इसको आप सेलेक्ट करोगे, क्योंकि ये गाड़ी ही अलग है सर। ये गाड़ी नहीं, मतलब इसमें आप 60-70 लाख रुपया लगाओगे तब ऐसा गाड़ी आप पाओगे सर, प्लीज़। और ट्रस्ट में आप एक बार टेस्ट ड्राइव तो लेके देखो ना सर, लेने में क्या जाता है टेस्ट ड्राइव लेने में। फिर अभी आप देख सकते हैं, तो ये आपका ड्राइवर साइड गेट हुआ, आप देख सकते हैं गेट में चारों पावर विंडो वो यहाँ पर मिल जाती है। आपका ORBM फोल्ड हो सकता है, इधर इलेक्ट्रॉनिक मिरर एडजस्टमेंट है आपका, इधर आप 6 वे में आप इसको ये हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से आगे ये इलेक्ट्रिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते गाइस, यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट दिया गया हुआ है, जो कि कीचड़ वगैरह में इसको ट्रांजैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाता है। और ये सबसे पहले तो पूरी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि गाड़ी में क्या स्टार्टिंग का ये है। हमने स्टार्ट कर दिया गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका स्टीयरिंग है, काफ़ी अच्छी लाइट स्टीयरिंग है, मतलब स्टीयरिंग पकड़ रहे तो लग रहा है सर कि कोई, हाँ स्टीयरिंग है, काफ़ी प्रीमियम स्टीयरिंग है। यहाँ पे वॉइस कमांड, वॉल्यूम प्लस, फोन पिकअप, रिजैक्ट मोड इधर आपका है, हॉर्न कुछ इस टाइप पे है, आप देख सकते हैं ये हॉर्न है सर। और यहाँ पे आपका डिजिटल क्लस्टर आपको मिल जाता है, जो कि MID कंट्रोल आप यहीं से आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग एवरेज आप सारा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन आपका नेविगेशन वगैरह सारा म्यूज़िक सिस्टम में, गाड़ी में ब्लू लिंक है, ब्लू लिंक से आप 60+ फीचर्स आप फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं SOS बटन जो आपका है वो रोड साइड असिस्टेंट का है, ब्लू लिंक का है, मतलब किसी भी, यहाँ पे कूल ग्लोब बॉक्स आपको प्रोवाइड किया हुआ है, एम्बिलियंस लाइट भी आपको 30 कलर्स में आप कलर को चेंज कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक AC आपका, और इधर आपका ये है वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है गाइज। यहाँ पे पेन ड्राइव सपोर्टेड, 12 वोल्ट चार्जिंग, Type-C चार्जर, ये DCT वेरिएंट है गाइज, तो ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन है, इसमें क्लच नहीं है, और ये आपका एक्सीलेटर ब्रेक, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पी पार्किंग, आर रिवर्स, रिवर्स का कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है गाइज, आप देख सकते हैं कैमरा क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छा है। D-N-Neutral ड्राइविंग, ये स्पोर्ट्स हो गया, ये अगर यदि आप प्लस कर दिए तो ये हो गया, मतलब मैनुअल, इधर से ये आपका स्टीयरिंग में स्टीयरिंग टेलोस्कोपिक स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग में इधर आप गियर को माइनस कर सकते हैं, इधर को से प्लस कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी फीचर्स है। यहाँ पे ड्राइव मोड भी आपको दिया हुआ है, इको मोड अब मैं दिखला रहा हूँ गाइस, ये इको मोड हो गया, स्पोर्ट मोड, ये नॉर्मल मोड, मतलब 3 मोड में आपको ड्राइविंग भी मिल जाता है। एयरबैग की बारे में बात करेंगे तो 6 एयरबैग में गाड़ी में मिल जाता है, और 6 एयरबैग मतलब सारा, मतलब गाड़ी में सेफ्टी के मामले में फुल सेफ्टी है सर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका टोटली ब्लैक, मतलब ब्लैक फिनिशिंग में आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ रेड क्लिपों में जो मिलता है ना, काफ़ी गुड्स फीलिंग के लिए यहाँ पे AC का रेड, मतलब गजब का ये है, प्योर स्पोर्टी है सर। और यहाँ पे आप सीट कवर इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि 6 एयरबैग में आप सीट कवर नहीं लगा सकते। यहाँ पे आपको पार्सल के बीच में आर्म रेस्ट आपको मिल जाता है, रेयर AC वेंट आपको भी मिल जाती है गाइस, जो कि रेयर AC वेंट मतलब वाकई में बहुत अच्छा है। रेयर AC वेंट यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिल जाते हैं, कुछ स्टोरेज मिल जाते हैं गेट में, जैसे नॉर्मली गेट पानी बोतल कुछ स्पेसेस आपको बच जाते हैं, यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज के लिए यहाँ पे दिया गया है।
तो गाड़ी बाकी बहुत अच्छा है, सेफ्टी के मामले में खैर काफ़ी अच्छा है। और अभी इंजन कंपाउंड की चल के आपको दिखला देते हैं। इंजन कंपाउंड मतलब इंजन कंपाउंड में इसलिए दिखला रहे हैं, कस्टमर के यूज़ के लिए कुछ नहीं इंजन कंपाउंड होता है। इंजन कंपाउंड जैसे ही इंजन में प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो ये आपका डिस्प्ले पे साइन मारेगा, डिस्प्ले पे साइन मारेगा, चेक इंजन का इंडिकेटर से देगा। जैसे ही चेक इंजन का इंडिकेटर दे रहा तो कॉन्टैक्ट फॉर इमरजेंटली सर्विस सेंटर, मतलब गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम है। तो अभी आपको दिखला रहे इंजन कंपाउंड। तो गाइज आप देख सकते हैं ये टर्बो इंजन है, यहाँ पे आपका पूरा मतलब इंजन का फिनिशिंग मतलब बहुत ही अच्छा है। इधर आपका कूलेंट हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, ये वाइपर का ये हो गया, इधर आपका एयर बॉक्स हो गया, बैटरी फ्यूज बॉक्स, इधर आपका ये हो गया इंजन ऑयल, इधर चेक करने का है मतलब इंजन कॉम्पैक्ट मतलब इधर है ना, ज़्यादा कुछ ये इधर उधर छेड़छाड़ नहीं, इधर कुछ भी छेड़छाड़ करना ही नहीं है गाइज। तो प्लीज़ आप ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।